हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवांस्ड वी लुकअप सिखाऊंगा जिसमें कि हम डबल वी लुकअप लगा रहे होंगे। इसमें एक ऐसी चीज आप सीखने वाले हैं जो कि आपको वी लुकअप में बड़ी हेल्प करेगी। कई बार होता है कि हमको जब डेटा देखना होता है तो सिर्फ एक वी लुकअप से काम नहीं चलता, आपको अलग अलग वी लुकअप लगाने पड़ते हैं एक ही बार ताकि आप आपके डेटा में से रिजल्ट निकाल पाए। तो वही मैं आपके लिए करने वाला हूं। इसमें मैं डबल वी लुकअप लगाने के लिए दो सपोर्टिंग फॉर्मूलास का और इस्तेमाल करूंगा। एक होगा इफ फॉर्मूला IFF और दूसरा होगा इज टेक्स्ट फॉर्मूला ISTEXT। तो ये तीनों जब मिलेंगे तब हम डबल वी लुकअप लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और ध्यान रहे कि ये जो शीट है ये आपके लिए डाउनलोड के लिए फ्री में अवेलेबल है। इसका डाउनलोड लिंक जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली या दूसरी लाइन में दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है इन नाम का और इनकी एम्प्लॉई आईडीज का और इनकी सेल्स कितनी हुई। और यहां पे मैं चाहूं तो इनका नाम डालूं या इनकी एम्प्लॉई आईडी डालूं, सेल्स डबल वी लुकअप से उठ के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम है अमित, रोहित, पंकज, राकेश, अमन और अली, ये इनकी आईडीज हैं और ये इनके सेल अमाउंट है। और यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉई आईडी डाली 15236 और इसकी सेल कितनी थी 425 यहाँ दिखने लग गई। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल देता हूं अमित, इनकी सेल्स है 410, तो यहाँ पे डालते हैं हम अमित। ये देखिए 410 यहाँ पे लिखा आ गया। और यहीं पे अनिल है, इनकी एम्प्लॉई आईडी है 15240, आइए इसको टाइप करते हैं। ये देखिए आंसर आ गया 484। तो हम चाहे नाम डाल रहे हैं चाहे एम्प्लॉय आईडी, ये आंसर हमारे को सेल्स में सही दिखा रहा है। ये हमने करा है डबल वी लुकअप से। इसके लिए मैंने इस्तेमाल करे तीन फॉर्मूला जो कि अब आपको यहां पर दिख जाएंगे। ये देखिए इफ इज टेक्स्ट और वी लुकअप। अब इस फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो वी लुकअप लगाने के लिए हमें इफ फॉर्मूला लगेगा कि अगर ये कंडीशन मैच हुई तो ये वाला वी लुकअप लगाओ और अगर ये कंडीशन मैच हुई तो दूसरा वी लुकअप लगाओ। जैसे हमारे केस में कंडीशन है अगर नाम लिखा हो तो भी हमें सेल्स का डेटा चाहिए और अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी लिखी हो तो भी हमें सेल्स का डेटा चाहिए। अब एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि भाई कब कौन सा वी लुकअप लगाए, तो उसके लिए मैं तीसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इज टेक्स्ट, जो कि ये चेक करेगा कि अगर सेल में हमने नाम लिखा है तो वो नाम के बेस पे वी लुकअप लगा के लेके आए और अगर नंबर लिखा है तो नंबर के हिसाब से वी लुकअप लेके आए। कैसे होगा ये बताता हूं, आइए देखें स्क्रीन पे। ये देखिए यहां पे ये फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, इसको मैं डिलीट करता हूं और टाइप करता हूं इज इक्वल टू IFF लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में यहां पे मैं डाल दूंगा एक और फॉर्मूला इज टेक्स्ट। ये फॉर्मूला क्या करता है कि ये चेक करता है कि किसी एक सेल में टेक्स्ट है कि नहीं है। अगर टेक्स्ट है तो ये यस दे देगा और अगर नहीं है तो ये नो दे देगा। हम कह रहे हैं कि भाई आप चेक करो कि इज टेक्स्ट ये वाला सेल है कि नहीं है और ब्रैकेट ओपन करके मैं इसको ये वाला सेल सेलेक्ट करा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या आया, वैल्यू इफ ट्रू। तो यहां पे मेरा पहला बिल, तो यहां पे मेरा पहला वी लुकअप लगेगा कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है यानी कि इस सेल में टेक्स्ट है तो वी लुकअप यहां से स्टार्ट करना इधर से, और अगर फॉल्स है तो वी लुकअप यहां से स्टार्ट करना। देखो कैसे नॉर्मल वी लुकअप लगा रहे हैं। अगर आपको वी लुकअप बहुत बेहतर से नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसके जरिए बेसिक वी लुकअप कैसे लगाते हैं वो भी सीख सकते हैं, वैसे मैं सिखा रहा हूं इसमें आपको। तो वी लुकअप लिखा ही कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाला सेल। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कि यहां पे चाहे नाम हो चाहे नंबर हो, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि अगर ट्रू हो जाए ये वाला कंडीशन कि टेक्स्ट है तो वी लुकअप कहां से लगेगा हमारा, यहां से। तो हम ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। और कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जहां से हम हमारा आंसर लाना चाहते हैं, भाई इस नाम को ढूंढो इस टेबल में
और इस नाम के अगेंस्ट इस वाले कॉलम में से आंसर ले आओ। तो ये कॉलम का नंबर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3, 0। अभी ब्रैकेट कर दो क्लोज और फिर कॉमा लगाओ। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर यहां पे टेक्स्ट नहीं है इस सेल में तो नंबर होगा, तो फिर एक और वी लुकअप लगा दो हमारे लिए, और वो वी लुकअप में यही वाला सेल हम लेंगे G5 कॉमा। टेबल अरे अब हम बदल देंगे, टेबल अरे में हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, आईडी से, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2 हमारे केस में, क्योंकि ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, 2, 0, ब्रैकेट कर दो क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करा और आंसर आ गया। देखिए अब मैं टाइप करता हूं अमित, ये देखिए 410। राजेश जी की आईडी टाइप करते हैं 15238, 15238, 338 है ना, बेहतरीन तरीका ये डबल वी लुकअप इस्तेमाल करने का। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि कई बार एम्प्लॉई नाम लिखा होता है, कई बार एम्प्लॉई आईडी लिखा होता है, तो कैसे हम वी लुकअप लगाए? तो उसका आंसर ये है, इसके कई सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो कि आप अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेस में कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम। ऐसे आप समझ गए कि कितने सारे इसके यूज केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो शुक्रिया, नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।